दोस्तों, क्या आप भी एक यूट्यूबर हैं और आप अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव जाना चाहते हैं लेकिन लाइव नहीं जा पा रहे हैं, जो कि यहाँ पे कंडीशन से क्लिक के आ रही है, ट्राई क्रिएटिंग मोर शॉर्ट टू रीच 50 सब्सक्राइबर एंड अनलॉक लाइव स्ट्रीमिंग। यानी कि यहाँ पे दोस्तों बता रहा है कि आप लाइव स्ट्रीम तभी कर सकते हैं जब आपके 50 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो अगर आप 50 सब्सक्राइबर के पहले अगर आप लाइव जाना चाहते हैं तो नहीं आ सकते हैं, अगर आपके 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए। और अगर आपके 50 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं उसके बाद अब आपको लाइव कैसे जाना है उसके बारे में आपको डिटेल्स से बताने वाले हैं कि लाइव कैसे जाएंगे और लाइव जाने में क्या क्या सेटिंग्स है, उस सेटिंग्स के सभी सेटिंग्स के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों क्या करना है, तो इसको हम होम पे कर देते हैं, दूसरा चैनल हम यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं जिसमें 50+ सब्सक्राइबर हमारा है। तो यहाँ पे स्विच अकाउंट पे क्लिक करके अपना जिसमें 50 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं वहाँ ये चैनल हमने लॉग इन कर लिया है। तो अब यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे लाइव सेशन वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों अब जैसे लाइव सेशन वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं तो यहाँ पे अब ऐसी कोई भी कंडीशंस नहीं आ रही है। लेकिन दोस्तों इसके पहले हम आपको समझा देते हैं कि लाइव आने के लिए जितनी भी कंडीशंस होती है उसके बारे में आपको बता देते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लर्न मोर लिखा है तो लर्न मोर वाले ऑप्शन पे हम जैसे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों इसको हमको ये हमको रिडायरेक्ट करेगा हमको क्रोम ब्राउजर पे। और क्रोम ब्राउजर पे चले जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट 50 सब्सक्राइबर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 50 सब्सक्राइबर होना चाहिए। फिर दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है कि 90 दिनों में आपके चैनल पे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिससे कि आपको कोई समस्या हो लाइव स्ट्रीमिंग में, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और दोस्तों अगला ऑप्शन बता रहा है टू वेरीफाई योर चैनल, आपका चैनल जो यूट्यूब चैनल है वो वेरीफाई होना चाहिए। और फिर लिखा जो लिखा है टू टर्न ऑन लाइव स्ट्रीमिंग यू मे नीड टू वेट 24 आवर्स बिफोर यू कैन स्टार्ट योर फर्स्ट लाइव स्ट्रीम, यानी कि जब आप पहली बार आप लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर रहे होंगे सबसे पहली बार तो आपका अप टू यानी कि आपका 24 घंटे तक आपको वेट करना पड़ सकता है जब आप पहले स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद आप उसको पॉज करें या कंटिन्यू रखें या कुछ भी करें, लेकिन उसके 24 घंटे के बाद ही एक्टिवेट होगी। तो आपको 24 घंटे का वेट करना है जब फर्स्ट आप लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे। और फिर लिखा है एन एंड्रॉयड 5.0+ डिवाइस, यानी कि जो एंड्रॉयड का वर्जन है आपके मोबाइल फोन का जो वर्जन है वो 5.0 यानी कि 5 आपका एंड्रॉयड वर्जन आपका होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा ही होगा तभी आप यहाँ पे सब्सक्राइबर यानी कि तभी आप यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ लिखा है यहाँ पे और लिखा है इफ यू हैव ओवर 50 एंड अंडर 1000 सब्सक्राइबर्स, इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं तो इसका हम मोटा मोटा आपको बता देते हैं जिससे कि आप समझ जाएं। यहाँ पे इसका बताने का मतलब ये है कि आप जब भी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे तो 50 सब्सक्राइबर होना चाहिए और 50 सब्सक्राइबर के दौरान धीरे धीरे जैसे आपके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपके जो जो आपका लाइव स्ट्रीमिंग के जितने भी फीचर्स हैं वो फुल यानी सभी फीचर्स आपको मिल जाते हैं 1000 सब्सक्राइबर के बाद। लेकिन जब तक 50 सब्सक्राइबर है तब तक आपके सिर्फ मोस्ट वाले ही आपको यहाँ पे फीचर्स मिलेंगे, लेकिन और भी बहुत सारी जितने भी फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करने वाले थे कि लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने के लिए कैसे करना होगा, तो अब हम अपने उसी पेज पे फिर से चले जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने फिर से उसी पेज पे आ गए हैं तो यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे हम जैसे क्लिक करेंगे और लाइव वाले ऑप्शन पे फिर से क्लिक करेंगे तो अब लाइव जाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे दोस्तों लिखा है अशोक IT3 ब्लॉग्स यानी कि हमारे चैनल का नाम है इट्स लाइव, यानी कि यही टाइटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप कोई टाइटल लिखेंगे तो लिख जाएगा, अगर नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यही टाइटल आपके चैनल के नेम से आपका लिख के आएगा। फिर लिखा है पब्लिक सेलेक्ट ऑडियंस, अगर कोई भी करेक्शन नहीं करना चाहते हैं तो नेक्स्ट पे क्लिक करके आप लाइव जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसके पहले सेटिंग करना आवश्यक है और उसके बारे में आपको पता होना भी चाहिए कि कौन सी सेटिंग हमारे लाइव स्ट्रीमिंग में एक्टिवेट है कौन सी नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर टाइटल का ही ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप अपना टाइटल को चेंज कर सकते हैं कोई भी बदलना चाहें। और उसके बाद फिर से यहाँ पे नीचे उसके नीचे है विजिबिलिटी, अगर विजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अनलिस्टेड और पब्लिक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे प्राइवेट का भी ऑप्शन होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी हमारा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए सभी फीचर्स यहाँ पे एक्टिवेट अभी नहीं है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ था, लेकिन जरूरी जरूरी जितने भी फीचर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल जाता है पब्लिक और अनलिस्टेड, तो फिलहाल हम यहाँ पे अनलिस्टेड कर देते हैं। आपको पब्लिक करना है, कभी भी आप
लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको पब्लिक रहना है, क्योंकि पब्लिक नहीं रहेंगे तो फिर आपका लाइव स्ट्रीमिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो पब्लिक करने का मतलब है कि आप अगर पब्लिक करके लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो आपका जो लाइव सेशन है वो सभी को शो करेगा, और लिस्टेड करेंगे तो किसी को नहीं शो करेगा। तो यहाँ पे आप बैक चले जाएंगे, और बैक जाने के बाद फिर से उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पे ऑडियंस। तो ऑडियंस रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखा है, तो ऑडियंस रिक्वायर्ड अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन मिल गया है जो कि यस इट्स मेड फॉर किड्स। दोस्तों इसका मतलब यह है कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है ये हमारा अगर यस पे क्लिक करेंगे तो 18 साल से नीचे की एज के जो लोग होंगे वही लोग ये हमारा लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। अगर नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 18 साल से ज्यादा जिनकी एज होगी वही यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करने वाले हैं और फिर से ये एक स्टेप हम बैक कर देंगे। तो दोस्तों अगला ऑप्शन अब हमारा है इन्वाइट गेस्ट। तो दोस्तों यहाँ से आप किसी भी गेस्ट को इन्वाइट कर सकते हैं लाइव सेशन में। अगर किसी को आप इन्वाइट करके लाएंगे तो जैसे लाइव आप पे वीडियो शो कर रहा होगा वैसे ही आप जिसको इन्वाइट करेंगे उसको अगर ज्वाइन करेंगे वो भी लाइव यहाँ पे आपसे वहाँ पे बिल्कुल वार्तालाप आपसे कर सकता है। आपकी लाइव स्ट्रीमिंग में बिल्कुल सेम आपका भी वीडियो चलेगा और उसका भी साइड में सेम वैसा ही वीडियो आपका चलेगा। तो इसको अगर आप एक्टिवेट करेंगे तो इसको भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे फिर है ऐड डिस्क्रिप्शन। आप अपने वीडियो में अगर कुछ भी बता रहे हो उसके बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं पहले से तो आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी कुछ थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। और फिर अगला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे लोकेशन वाला। यहाँ से आप अपनी लोकेशन को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, करंट लोकेशन आप अपने ऐड कर सकते हैं। और फिर दोस्तों है यहाँ पे स्क्रीन कॉस्ट। तो स्क्रीन कॉस्ट आप तभी आप ऑन कर पाएंगे जब ये आपका ये जो इनवाइट गेस्ट वाला ऑप्शन है गो लाइव टुगेदर, इसको अगर आप ऑफ कर देंगे तभी ये लाइव कॉस्ट वाला ऑप्शन आपका चालू होगा। अगर आप इसको ऑफ नहीं करेंगे तो फिर आपका ये चालू नहीं होगा। तो अभी अभी फिलहाल के लिए इसको हम ऑफ कर देते हैं और स्क्रीन कॉस्ट वाला ऑप्शन को हम चालू कर देते हैं। तो दोस्तों अब जैसे हम इसको चालू कर देंगे तो ये हमारा चालू हो जाएगा, लेकिन अभी भी हम इसको भी ऑफ करना चाहते हैं क्योंकि अभी हम इसको नहीं यूज करना चाहते और अभी हम सिर्फ ये आपके नॉलेज के लिए हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर रहे हैं। फिर दोस्तों अगला ऑप्शन है यहाँ पे शेड्यूल फॉर लेटर। शेड्यूल फॉर लेटर का मतलब ये है कि आप अगर लाइव किसी टाइम दूसरे टाइम आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपने लाइव सेशन में जो जो भी थंबनेल है सब कुछ यहाँ पे क्लियर करके रेडी कर दें और उसके बाद जो टाइम यहाँ पे आप सेट कर देंगे उसी टाइम पे आपका लाइव सेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या है यहाँ पे एडवांस सेटिंग। तो एडवांस सेटिंग के भी बारे में आपको बहुत जरूरी है जानना। तो एडवांस सेटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले है अलाउ चैट। तो लाइव सेशन में अपने अगर चैट को आप चालू करना चाहते हैं, अगर कोई भी कॉमेंट्स आपके आपके लाइव सेशन पे अगर कोई करे तो वो शो करे, तो उसके लिए आपको अगर इसको ऑफ कर देंगे तो नहीं शो करेगा, अगर ऑन कर रखेंगे तो शो करेगा। और ये अलाउ रिएक्शन, अलाउ रिएक्शन दोस्तों वो है आप देखे होंगे लाइव स्ट्रीमिंग में साइड में दिल का ऑप्शन बना होगा या कोई भी इमोजी टाइप में आपको आपको वहां पे रिएक्शन शो कर सकता है, दे सकता है, तो ये उसी का है। और फिर अगला ऑप्शन है यहाँ पे दिस वीडियो कंसर्न पेड प्रमोशन। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी लाइव सेशन में बाहर का कोई प्रमोशन आप कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं और आपने यूट्यूब को इन्फॉर्म नहीं किया है तो अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो यूट्यूब नहीं समझ पाएगा, नहीं देख पाएगा, तो ये एडसेंस की पॉलिसी के खिलाफ होगा ये वीडियो, ये आपका लाइव आना खिलाफ होगा कि आप अलग अलग ही कोई प्रमोशन कर रहे हैं और उसका कमीशन एडसेंस को नहीं जा रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आप इसको अगर अगर आपको कोई ऐसा प्रमोशन करना है लाइव स्ट्रीमिंग के साथ लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान तो आपको इसको एक्टिवेट करना है, अलाउ करना है। अगर नहीं करना है तो फिर इसको ऑन ऑफ ही करना है। लेकिन अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, ये जो हम आपको लाइव स्ट्रीमिंग बता रहे हैं ये विदाउट आप यानी कि ये जो चैनल है ये चैनल मोनेटाइज अभी नहीं है, उसका हम लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होता है तो इसी के नीचे एक मोनेटाइजेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है सेम ऐसे डॉलर के जैसा, तो अगर उसको आप ऑन कर देते हैं तो फिर आपका लाइव सेशन जो है वो मोनेटाइज रहता है। आपका लाइव सेशन पे अगर कोई भी आता है देखने तो उसके आपके लाइव स्ट्रीमिंग पे ऐड आता है। तो अब दोस्तों उसके बारे में तो यहाँ पे ऑप्शन अभी नहीं शो कर रहा है वो, हालांकि हम आपको साइड मतलब अलग में दूसरा स्क्रीनशॉट हम शेयर कर देंगे अपने दूसरे यूट्यूब चैनल का। तो अभी हम यहाँ पे जो यहाँ पे बात करने वाले हैं इसी के बारे में समझ लेते हैं। अब दोस्तों अगला ऑप्शन जो है ये है आपका किस साइज में आप लाइव स्ट्रीमिंग अपना करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा वर्टिकल साइज में अगर आप करना चाहते हैं तो वर्टिकल साइज होता है सीधा फोन, सीधे फोन में अगर आप ऐसे ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे ऐसे
तो इसका मतलब है ये वर्टिकल साइज में आप अपना लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, और अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो इसके इसी के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, और हॉरिजेंटल साइज अगर आप क्लिक करना चाहते हैं, और हॉरिजेंटल साइज का मतलब यह है कि आपका जो फोन होगा, मोबाइल होगा, वो ऐसे होगा, टेढ़ा होगा, ऐसे अगर लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो ये हॉरिजेंटल हो गया, और ये साइज हो गया सीधा फोन अगर है तो वो हो गया वर्टिकल साइज। तो दोस्तों अगर आपको सीधे फोन से आना है तो वर्टिकल साइज, हॉरिजेंटल साइज के लिए टेढ़ा फोन। तो आप ये भी समझ गए होंगे, और ये आप अपनी क्लियर करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन आप क्या करना है, यहाँ पे आपको बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये लाइव स्ट्रीमिंग के लिए रेडी हो रहा है, और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइटल आपको शो कर रहा है और वॉचिंग अभी जीरो कर रहा है, क्योंकि अभी अनलिस्टेड ही है, तो वॉच यानी कि ऑडियंस नहीं आएगा वैसे भी। अब अगर आपने कोई भी यहाँ पे थंबनेल बना रखा है तो थंबनेल आपका आपका जो साइज है वर्टिकल हो चाहे हॉरिजेंटल हो, आपका जो साइज होगा वो हॉरिजेंटल साइज का ही आपका थंबनेल बनेगा लाइव स्ट्रीमिंग का, वो चाहे आपका वर्टिकल साइज से आप लाइव स्ट्रीमिंग करें चाहे हॉरिजेंटल साइज से आप करें, लेकिन आपका जो थंबनेल होगा लाइव स्ट्रीमिंग का वो हॉरिजेंटल साइज का ही होगा। जो कि अगर अब आप अगर आपका थंबनेल रेडी है तो आप लगाएंगे कैसे, तो वो आप आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और पेंसिल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के बाद अगर आप डायरेक्ट कैमरे से अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं थंबनेल तो टेक थंबनेल पे आप क्लिक करना है। अगर आप पहले से ही बना रखे हैं कोई थंबनेल तो यहाँ पे अपलोड थंबनेल लिखा है तो अपलोड थंबनेल वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके ये बना सकते हैं। और दोस्तों और यहाँ पे सबसे ऊपर ही देख रहे होंगे एडिट सेटिंग, अगर एडिट सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो फिर से आप रिडायरेक्ट होकर आप अपनी सेटिंग्स पे फिर से चले जाएंगे, तो अभी हम यहाँ पे नहीं क्लिक करने वाले हैं। अब दोस्तों अब अगर आपको लाइव आना है तो लाइव आने के लिए क्या है, ये गो लाइव पे क्लिक कर देना है। तो गो लाइव पे जैसे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे में है, जो कि यहाँ पे रोटेट डिवाइस आर चेंज द स्ट्रीम दिखा रहा है, जो कि हमारे फोन ये जो हमारे पास फोन है जिसमें हम आपको सेटिंग्स के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे हमारा फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा ये दोनों हमारे खराब हैं, इसीलिए यहाँ पे लाइव स्ट्रीम नहीं आ सकता इस फोन में। और अगर अपने फोन में आप करेंगे तो यहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग ऐसे चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, रोटेट डिवाइस आर चेंज द स्ट्रीम्स, और यहाँ पे रोटेशन का कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, इसलिए कि हमारे फोन के दोनों कैमरा बेकार हैं, खराब हैं, और इसलिए हमारा कैमरा भी काम नहीं करता है। तो अब यहाँ पे इसको हम बैक कर देंगे और ऐसे आप लाइव स्ट्रीमिंग आ सकते हैं, तो ऐसे आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जानकारी तो बहुत सारी अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, आपको ये जानकारी कैसे लगी दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रख लीजिएगा। दोस्तों बेल आइकन ऑल पे क्लिक करने से ये होता है कि हम कोई भी अगर अपनी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाता है, जिससे कि आप नई अपडेट की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप देख लेते हैं। और दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए बना रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि व्यू नहीं आ रहा है चैनल पे, व्यू नहीं आ रहा है, बहुत सारे ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तों व्यू आने का मेन रीजन ये होता है कि आप जो वीडियो बनाते हैं वो वीडियो आपके ऑडियंस तक पहुंच नहीं पाता है, इसका मेन रीजन ये होता है कि आपके चैनल की सेटिंग क्लियर नहीं होती, अच्छे से नहीं होती, इसलिए आपकी रुकावटें होती हैं, आपकी वीडियो आपके ऑडियंस तक नहीं पहुँच पाता है। आपकी चैनल की सारी सेटिंग से रिलेटेड एक दूसरा वीडियो बना रखे हैं, वो वीडियो दोस्तों यहाँ पे चल रखा है, जो कि इस पे आप क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। YouTube की सारी सेटिंग्स जितनी भी है उसके बारे में आपको बता रखे हैं, वो सारी सेटिंग्स अपने YouTube चैनल की सही कर लीजिए और फिर आपकी वीडियोज पे व्यू आएगा। दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।